हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंशु गार्डन में। आज हम आपको किसी भी पौधे को तैयार करने का सबसे आसान तरीका दिखाते हैं। किसी भी पौधे को तैयार करने के लिए अगर उस पौधे में एयर लेयरिंग कर दी जाए तो वो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आज हम आपको एयर लेयरिंग से कैसे तैयार करते हैं पौधे को, ये दिखाएंगे। और फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा अमरूद का पौधा है जो टब में लगा हुआ है, और इसमें देखिए काफ़ी मात्रा में फल आए हुए हैं। इसको भी मैंने एयर लेयरिंग से तैयार किया था। तो चलिए शुरू करते हैं, एयर लेयरिंग कैसे करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने ये ब्रांच सिलेक्ट किया है, हम इसी ब्रांच पर एयर लेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले इसके थोड़े से पत्ते हटा देते हैं। और यहाँ पर जो इसका ये नोड एरिया है, यहाँ पर हम लोग कट लगाएंगे। तो इसको फ्रेंड्स पूरी तरह से इसको ऐसे नाइफ की सहायता से पूरा इसको छील लेते हैं। और फिर ये देखिए हमारे पास गमले में गार्डन सॉइल पड़ी हुई थी, इसमें काउडंग और सॉइल है जो काफ़ी दिन से इसमें रखी हुई है। तो हम इसी का यूज़ करेंगे इसको बांधने के लिए। आप इसके लिए सॉइल या कोकोपीट भी ले सकते हैं, लेकिन हम गार्डन सॉइल में ही इसको करेंगे। इसको इस तरह से इस पर सॉइल को लगा देंगे। और एक पन्नी की हेल्प से हम इसको इसमें बांध देंगे। इसको बहुत टाइट बांधना है जिससे कि इसका मॉइस्चर सूख ना पाए। बहुत अच्छी तरह से बांध देना है। आप इसमें धागे की हेल्प भी ले सकते हैं, इसको बांध दीजिए बहुत अच्छी तरह से। ये देखिए इसको हमने बहुत अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। और जब इसके ऊपर से जड़ दिखने लगे तो इसको हमें खोल के यहाँ से कट कर देना है, और हमारी एयर लेयरिंग से अमरूद का पेड़ तैयार हो जाएगा। ये एयर लेयरिंग का प्रोसेस पूरा हो गया है। अब जब इसमें यहाँ पर रूट्स शो होने लगेंगी तब हम आपको ये दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। ये अपडेट हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप एक प्लांट से कई प्लांट अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं और अच्छे हरे भरे ताज़े ताज़े फलों का आनंद उठा सकते हैं। इसीलिए आप लोग भी ये प्रोसेस अपनाइए और अपने प्लांट्स को तैयार करिए। थैंक यू।